हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएलए व्लॉग। आपने हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में तो बहुत सुना होगा। वर्ल्ड में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर आज हम आपको इंडिया के 9 टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग जहां पर भी हैं, लाइट्स ऑफ करके वहीं पे ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता के वेस्ट बंगाल में स्थित ये मेट्रो स्टेशन सिर्फ कोलकाता और वेस्ट बंगाल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि 10:30 के बाद जब यहाँ की स्टेशन पे आखिरी ट्रेन गुजरती है तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी आदमी दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी प्रेजेंस है जो कि आत्महत्या करने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है और फिर वो आत्महत्या करने वाले लोग अपनी हत्या, अपनी आत्मा, खुद अपनी जान ट्रैक पर दे देते हैं। इसी वजह से ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और ज्यादातर आत्महत्या इतनी सारी आत्माओं की वजह से ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया है। मालचा महल, दिल्ली। इस महल में, इस फोर्ट में लोग रात को क्या सुबह भी जाने से, इसके सामने से भी गुजरने से डरते हैं। काफी लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर काफी सारे भूत आत्माओं, प्रेत को घूमते हुए देखा है टहलते हुए। साल 1325 में, 25 ईस्वी में राजा फिरोज शाह तुगलक ने यह महल बनाया था अपने शिकार गृह के लिए, जहाँ जब वो शिकार करने जाते तो ठहरते। पिछले 700 सालों से ये महल वीरान पड़ा था, अभी तक तो ये बंजर बन चुका था। साल 1985 में बेगम विलायत महल ने इस महल को खरीदा था। इस महल को लेके बेगम विलायत की भारतीय सरकार के साथ जो डिस्प्यूट चल रही थी उसमें उन्होंने विजय हासिल की और फिर उन्होंने इस महल पे मालिकाना हक पा लिया। मालिक बनने के बाद बेगम अपने परिवार के साथ इस महल में रहने के लिए आ गई। आप खुद सोचिए कि इस 700 साल पुराने महल में, टूटे फूटे टुकड़ों, पेड़ पौधे, घास फूस उगे हुए महल में बेगम कैसे रहती होगी। 1985 के समय में भी ना ही इस महल में बिजली थी और ना ही इस महल में पानी था। इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी इनका परिवार यहाँ रहता था। इन्होंने पूरी दुनिया से कनेक्शन काट लिया था, सबसे अलग, कोई बातचीत नहीं। उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। उनको इस महल से इतना लगाव हो गया था कि वो इस महल को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। बेगम अपना गुजारा अपने गहने बेचकर करती थी, पर एक समय ऐसा आया कि बेगम के गहने खत्म हो गए। गहने खत्म होने और पैसे ना होने के सदमे में 1993 में बेगम विलायत महल की मौत हो गई। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मौत खुदकुशी से ही हुई थी। लेकिन अब रहस्य यहाँ पर शुरू होता है, क्योंकि विचारक ये सोचते हैं कि उनकी मौत गहने खत्म होने की वजह से हुई कि उस जगह पर कोई एक ऐसी एनर्जी थी, कोई ऐसी भूत प्रेत आत्मा थी जिनका, जो उनकी मौत का कारण बना। बेगम विलायत महल की मौत के 4 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई और हाल ही में उनके आखिरी वंशज की भी मौत उसी महल से जुड़ी हुई है। तो लोगों का यह मानना है कि बेगम विलायत, उनकी बेटी, उनके बेटे, उन सबकी आत्माएं अभी भी उस महल में घूमती हैं और उस महल को अभी भी दूसरे लोगों को आने से बचाते हैं। टनल नंबर 33 शिमला। यह एक टनल है जिसका नाम टनल नंबर 33 है। लोग इस टनल के बारे में यह कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा का निवास है। और काफी लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उनको एक ऐसा जीव दिखता है, विशालकाय जीव, जो उनको ऐसा लगता है कि वो जीव उन्हीं की तरफ देख रहा है। लोगों का कहना है कि वो रात को यहाँ पर अनजान फोर्सेस महसूस करते हैं और उनको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। जब ये टनल 102 साल पहले बना था तब इसका प्रोजेक्ट एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बैरक को मिला था। वो एक टैलेंटेड इंजीनियर थे पर इस प्रोजेक्ट में उनको काफी दिक्कतें हो रही थी।
लेकिन उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि वह ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और उन्होंने एक आखिरी डेट भी निश्चित की थी कि वो इस डेट पे इस प्रोजेक्ट को खत्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि इस डेट तक उसे उन्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। प्रोजेक्ट जल्द डेट दिए गए डेट पे खत्म ना करने की वजह से बैरक के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फाइन चार्ज डाल दिया और इतने कर्जे के साथ बैरक कैप्टन बैरक का करियर खत्म हो गया। उनके एग्जिस्टिंग कर्ज पे अब ब्रिटिश फाइन बहुत ही ज्यादा मात्रा पे चार्ज हो चुका था। इसी की वजह से वो डिप्रेशन में आ गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत उसी टनल में हुई और इसी की वजह से शिमला के निवासियों का ये कहना है कि अभी भी उस टनल में उनकी आत्मा वहीं पे घूमती रहती है। ऐसे टनल को जिनको आधा बैरक ने बनाया और उसके बदले उनको क्या मिला? पैसा नहीं, सिर्फ मौत। उनको न्याय नहीं मिला, उनको सिर्फ मौत मिली। ये कहानी तो समझ आती है पर उसके साथ साथ वहां पर काफी औरतों की भी आत्माएं और भूत प्रेत ये सब भी देखी जाते हैं। और एक ऐसी घटना हुई जिसमें दो लोग थे, दोनों आदमियों में से एक आदमी ने एक औरत को उसी टनल के अंदर भागते हुए देखा तो वो उसके पीछे मदद के लिए गया। दूसरे आदमी ने उसे रोका पर वो नहीं रुका और उसकी मदद के लिए गया। और उस जो आदमी बाहर खड़ा था उसने ये बताया कि जब वो आदमी अंदर जा रहा था तब वो औरत पीछे पलटी और वो कोई औरत नहीं थी बल्कि आत्मा थी और उस आदमी की वही मौत हो गई और दूसरा आदमी वापस भाग के वहां से भांगड़ फोर्ट राजस्थान। राजस्थान में स्थित भांगड़ जगह पहले एक हस्ती खेलती सिटी हुआ करता था लेकिन अब ये हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। सुबह के समय ये डेस्टिनेशन तो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस रहती है पर रात के समय ये प्रेत बाधित स्थान बन जाती है। भारत का ये फोर्ट एक ऐसी लौती एक जगह है जिसको खुद भारत सरकार ने हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट में घुसे तो वो वहां से जिंदा लौट कर वापस कभी नहीं आता है। के आसपास के लोग इस किले के सामने से गुजरने से भी डरते हैं। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना यह है कि रात को इस किले से उनको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार।